लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसी के साथ ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आगामी 24 मार्च को महारैली करने जा रही है। इस रैली का आयोजन नूरपुर बारात घर सिकंदराबाद रोड पर होना है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने बताया कि उनकी पार्टी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा रही है। राणा ने कहा कि देश में जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। बीजेपी राजपूतों को बंधुआ मजदूर समझती है, इसीलिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में सिर्फ 2 राजपूतों को ही टिकट दिया है। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में 4 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर हैं। बावजूद इसके बीजेपी राजपूतों को अनदेखा कर रही है। इसीलिए रैली के माध्यम से हम जनता से पूछेंगे कि पश्चिमी यूपी से हमारी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट दे। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी की नियति और नीति साफ है। पार्टी जनता को साथ लेकर चलना चाहती है। राणा ने कहा कि अगर हमारी पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीएन समाचार को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।